पंजाब और केपी असेंबली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असेंबली से प्लानिंग शेयर करेंगे। केपी और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। केपी का इजलास जुमे को, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल। वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से परवेज़ खटक की मुलाकात। कहा पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। पंजाब में खलबली, असेंबली तहलील होने का खदशा। नून लीग ने सारी उम्मीदें आसिफ अली जरदारी से बांध ली। हमजा शहबाज तवील रूपोशी से बाहर आए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वफ से मुलाकात के बाद अता तारण ने कहा कि किसी सूरत असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। साथ ये भी बता गए कि सारी जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी ने निभानी है। पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर नए सिपाही सालार बन गए, अहदा संभाल लिया। जीएचक्यू में पुरवकार तकरीब, पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले। पाक फौज के सतर में सरबराह ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी। फातह खवानी की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सुफरा और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। पाक फौज के नए सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ अमल, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और डीजी आईएसआई की खिदमात अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडरों में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। कराची में बेटियों और बीवी को कत्ल करने का मामला हल, मुलजिम ने एतराफी बयान दे दिया। कहा नौकरी के साथ ट्रेडिंग करता था, कारोबार में नुकसान हो रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, इन्वेस्टर्स कर्ज का तकाजा कर रहे थे जिसके बायस शदीद दबाव में था, बीवी से भी झगड़ा रहता था। मुलजिम ने बच्चों को कत्ल करने के बाद उधार मांगने वालों को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के दौरान ही फवाद ने अपनी गर्दन पर भी छुरी फेर दी। वालदा का कहना है कि फवाद को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। बलूचिस्तान होशाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, एक गिरफ्तार। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। गवर्नर राज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान कहते हैं कि अपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी, आवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वोट इमरान खान के बयानी की अमानत है, पीडीएम की बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। पीडीएम हुकूमत कप्तान के सरप्राइज से परेशान, आइंदा इंतखाबात के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी। ईसीसी ने इलेक्शन कमीशन के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पहली किस्त 5 अरब रुपए होगी। मीडिया कैंपेन के लिए वजारत इत्तला'आत की समरी भी मंजूर हो गई। सैलाब से मुतल्लिक मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। नैब कवानीन में तब्दीली, हुकूमती अरकान की मौजें। वजीर आजम और गवर्नर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरीज बंद, चेयरमैन नैब इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दी। 2019 में नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 से जायद अराजी मुंतकिल करने पर इंक्वायरी शुरू की थी। मुतनाज़ा ट्वीट्स, आजम सवाती का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के सिविल जज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की थी आजम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश ना किया जाए। पीटीआई सेनेटर के खिलाफ एफआईआर की तादाद 50 हो गई। आजम सवाती को इंसाफ दिलाने के लिए इमरान खान ने पटिशन साइन कर दी। और उन्हें अपने बयान पर कौन से माफी मांगनी चाहिए? ये किस दीन का जो है ये प्रचार कर रहे हैं? क्या इस्लाम में जो है वो औरत जो है वो उसको आजादी नहीं है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे? और कहाँ गए औरतों के हकूक के ठेकेदार, उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपने तो दौरे जाहिलियत के जो जमाने में अबू जहल की याद ताजा कर दी आपने। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौलाना फजल रहमान से बेजारी का इजहार, खवातीन के बारे में नाजेबा बयान देने पर मुआज़रत का मुतालबा, औरत मुखालिफ एलामिया तब्दील करने का मशवरा।
फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले, सेनेगल ने इक्वाडोर को प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नीदरलैंड ने कतर को 2-0 से मात दे दी। अमेरिका ने ईरान को 1-0 और इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल। दोनों टीम्स प्रैक्टिस में मसरूफ। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और अबरार अहमद के डेब्यू का इम्कान। पहला मैच जुमेरात से शुरू होगा। शाहीनों की इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी सीरीज जीतने की तैयारी। कप्तान बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरुमीद। मिकी आर्थर की तारीफ। डिविलियर्स की बैटिंग का अंदाज पसंद है। कहा कि नेट पर डिविलियर्स को खेलते देखता हूं तो ऐसी ही प्रैक्टिस करता था। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और पंजाब भर में मौसम खुश्क और सर्द। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। कराची का चौथा नंबर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। कराची में रात को सर्द हवाएँ चलने लगीं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।